क्या लोग आपको फुद्दू बना देते हैं, चूतिया काट देते हैं, बेवकूफ बना देते हैं और आप परेशान हो कि यार मैं क्या करूं कि लोग मेरा चूतिया ना काट पाए। आज मैं आपको 6 ऐसी चीजें बताने वाला हूं ना जिसके बाद कोई भी आपका चूतिया नहीं काट पाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और एक एक चीज को ना ध्यान से सुनना। लास्ट से स्टार्ट करते हैं। 6th पॉइंट है दी आर्ट ऑफ कन्विंसिंग। यहां पर आपको लोगों को समझाने की क्षमता रखनी होगी, लोगों को मनाया कैसे जाता है, अपनी बात मनवाई कैसे जाती है। और अगर आपको यहां पर कोई प्रोडक्ट बेचना है, बिजनेस करना है या जॉब भी करनी है तो लोगों को अपनी बात समझाना आपको आना चाहिए। आपको क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है और कैसे करना है ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए। कौन सी पिच पे आपको बात करना है, कैसे बात करना है। देखो, अगर आप अपने माँ बाप से कोई काम करवाना चाहते हो या मनवाना चाहते हो तो उनसे रिक्वेस्ट करोगे, लेकिन उल्टा अगर आप अपने इंप्लॉय से कोई काम करवाना चाहते हो तो उसको डांट डपट के करवाओगे, थोड़ा प्रेशराइज करवा के करवाओगे, क्योंकि भैया यहाँ पर रिक्वेस्ट होके काम नहीं होगा। तो ये आपको समझना होगा, हर जगह पर एक ही तरीके से आप नहीं रह सकते, आपको कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। आपने कभी डोर टू डोर जो सेल करते हैं उनको देखा है कभी, जो बेचते हैं सामान कि भैया ये है, ऐसा है हमारा प्रोडक्ट, ऐसा वैसा है, वो कितना सही फुद्दू काटते हैं कि भाई ये ले लो, इसके साथ ये फ्री मिलेगा, माँ कसम ऐसा है, माँ कसम वैसा है, मतलब 2 साल की गारंटी, इतना है, ऐसा है वैसा, भाई बहुत चीजें फेंकते हैं। तो यहाँ पर आपको उनसे कुछ सीखना चाहिए। पता है, एक बंदा जो प्रोडक्ट बेचना सीख जाता है, मार्केटिंग करना सीख जाता है ना, उसका फुद्दू कोई नहीं काट पाता। तो यहाँ पर आपको ना कन्विंसिंग पावर आनी चाहिए, लोगों को मनाते कैसे, लोगों में अपना सामान बेचते कैसे हैं, उनको क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, कहाँ चाहिए, ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। 5th पॉइंट है अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। यहाँ पर आपको लोगों को हंसाने की कला मालूम होनी चाहिए, लोगों को हंसाते कैसे, क्या पॉइंट मारते कि लोग हंसें। देखो, लोगों को हंसने का ना दायरा अलग अलग होता है, कोई किसी बात पे हंसता है, कोई किसी बात पे हंसता है, तो ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। पता है, अगर आप लोगों को हंसाना सीख गए ना तो उनका फुद्दू यूं चुटकियों में काट दोगे, क्योंकि अगर तुमने किसी को हंसा दिया तो तुम्हारे मुट्ठी में, तुम्हारे कंट्रोल में है, अब तुम जो कहोगे वो बंदा वही काम करेगा। तो पहले आपको उसको हंसाना पड़ेगा, स्माइल करवाना पड़ेगा, ऐसी बात करनी पड़ेगी बंदा खुश हो जाएगी, वाह यार कितना मस्त बंदा है ये, उसके बाद आपका फुद्दू काटना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर लोगों को हंसाओ, लोगों को हंसाते चलो, काम आपका हो ना हो लोगों को हंसाते रहो, खुशियां बांटते रहो। देखो, आप जितनी खुशियां बांटते हो ना उतनी खुशियां आपको मिलती हैं, ये गिव एंड टेक का मामला है, तो जब तक दोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर लोगों को हंसाओ और खुद भी खुश रहो। 4th पॉइंट है लिसनिंग पेशेंटली। यहाँ पर दिक्कत पता है क्या है, अपन सुनना किसी की नहीं चाहते, बस भौंकना जानते हैं कि भाई तू ये है, तू वैसा है, तू वैसा है, तू, मतलब अपन सुनते तो है ही नहीं। यहाँ पर आपको चाहिए कि आप सुनो, सामने वाला बंदा क्या कह रहा है ये आप सुनो। जब तक आप उसको सुनोगे नहीं तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि उसको क्या चाहिए। जब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि उसको क्या चाहिए तो दोगे कैसे। तो भैया कभी भी कोई बात हो रही हो, कोई जंग छिड़ी हो, कोई डिबेट हो रही हो, आर्गुमेंट हो रहा हो, तो सामने वाले की बात सुनो, कहना क्या चाहता है, हो सकता है आपसे अच्छा आइडिया उसके पास हो। तो मेक श्योर कि हाँ, आप यहाँ पर कोई गलती नहीं कर रहे हो तो उस बंदे की सुनो। आपको ये पता चल जाएगा कि बंदा क्या आपको बेवकूफ बना रहा है या नहीं बना रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खुद ही बोले जा रहे हो और सामने वाला आपका काट रहा है। तो भैया यहाँ पर सुन भी लिया करो। 3rd पॉइंट है द एबिलिटी टू से नो। आपको ना करने आना चाहिए। दोस्तों में या कहीं पे भी अगर कोई बंदा आपको गलत काम करने के लिए कहता है और वो काम आपको नहीं करना तो सिंपली कह दो नो, मैं नहीं करना चाहता। हो सकता है सामने वाला आपसे गुस्सा हो जाए, थोड़ा गाली गुली देके चला जाए, नाराज हो जाए, जान दो ना यार। तुम यहाँ पर अपने से काम रखो, आपको लगता है कि हाँ ये काम मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मेरे नुकसान हो जाएगा, तो मत करो भाई। यहाँ पर जो आपको अच्छा लगता है वो काम करो, लोगों के इन्फ्लुएंस में मत आओ। 2nd पॉइंट है बीइंग अवेयर। यहाँ पर आपको अवेयर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आसपास आपके क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी धुन में चले जा रहे हो, हाँ जी एकदम मस्ती में मगन में, कोई फायदा नहीं है भाई, कट जाएगा, आराम से कटेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आसपास क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कहां चल रहा है और कैसे चल रहा है। आपको न्यूज देखनी चाहिए ताकि आसपास अगर कोई डिबेट हो रही है, कोई बात हो रही है, कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा हो तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाओ। ये नहीं कि चार बंदे बात कर रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, और तुम आराम से एकदम भूत बन के खड़े हो, आपको पता ही नहीं तो आप बोलोगे क्या। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, न्यूज वगैरह देखते रहा करो। ये ना उल्टी सुल्टी चीज तो आप देख लोगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन न्यूज भी देख लिया करो। ट्रेंड में कौन सा स्टाइल चल रहा है ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। आसपास कुछ भी जो नया हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। 1st एंड लास्ट पॉइंट है अडैप्टेबिलिटी। यहाँ पर आपको ढलने आना चाहिए, अपने आप को ढालने आना चाहिए। यहाँ पर हम कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, तो आपको वैसे बनना पड़ेगा। पहले अपने आपको उसमें ढालना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते मैं नए शहर में आया तो भैया मुझे अच्छा खाना पीना चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आपको ढालना पड़ेगा, उसके बाद चेंज करना होगा। सर चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज होंगे वो भी नहीं जी पाएंगे, जो इंटेलिजेंट होंगे वो भी नहीं जी पाएंगे, जिएगा तो वो जो अडॉप्ट कर पाएगा। बेशक आप कितने ही ताकतवर हो जाओ, बेशक आप कितने भी समझदार हो जाओ, जब तक आप अपने आपको ढालना नहीं सीखोगे ना तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखो, हो सकता है कि आपके पास खूब पैसा हो, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो पैसा ना कम पड़ जाता है। तो ऐसे में अगर आपको आदत लग चुकी है अमीरी में रहने की और आप थोड़ा ना लो में नहीं रह पाते तो आपको
बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए कहते हैं कि हर तरीके से जीना सीखो, अच्छे में भी जीना सीखो और बुरे में भी जीना सीखो। समय को कोई नहीं जानता भाई, कब बदल जाए आपके अगेंस्ट, कब आपके फेवर में हो जाए कोई नहीं जानता। समय बहुत बलवान होता है, तो कुछ भी नहीं पता कब क्या हो जाए, तो अपने आपको ढालना सीख लो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना भाई, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, नीचे इधर उधर मत भागना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आप चाहते हो कि आपको सबसे पहले वीडियोस मिले तो उसके बगल में घंटा आता है, उसको दबाना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको लगता है ये वीडियो और लोगों तक पहुंचनी चाहिए ताकि उनका भी चूतिया ना कटे, तो भैया उनको वीडियो शेयर जरूर कर देना।